बढ़ते हैं आगे, बात अब मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से करते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कॉलेजेस में एक तरह का निज़ाम होना चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस में एक तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए मरीजों के लिए या तिबादारों के लिए या जो बाकी स्टाफ है, स्टूडेंट्स भी जो ट्रेनीज होते हैं उन तमाम लोगों के लिए। मगर इन सब के बीच में दो तरह के रूल्स यहाँ पर आज के दिन में भी भर्ती के लिए हैं। जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में भर्ती अमल पर आज सवाल उठ रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक कौम एक असूल के एजेंडे का मजाक जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया जा रहा है, जिसका नारा खुद वज़ीर आज़म ने दिया था। मुल्क के दीगर अस्पतालों से जम्मू कश्मीर में थोड़ा अलग निज़ाम इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि फोर टीयर सिस्टम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जम्मू और श्रीनगर के अंदर और थ्री टीयर नए मेडिकल कॉलेज जो यूनियन टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं वहां पर वन नेशन वन रूल हर जो इस बड़े अस्पतालों के अंदर जिस तरीके से भर्ती के कवायद और जवाबित हैं उनकी एक तरह से धज्जियां भी उड़ाई गई हैं। आज के वक्त में जहां पर बताया ये भी जाता है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से इन सभी सरकारी बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, चूंकि पांच नए मेडिकल कॉलेजेस भी इनमें शामिल है, कठुआ, राजौरी, डोडा, अनंतनाग और बारामूला, यहां पर भी थ्री टीयर सिस्टम जो है फैकल्टीज के लिए है, लेकिन जीएमसी जम्मू और श्रीनगर के अंदर यहां पर फोर टीयर फैकल्टी सिस्टम जो चल रहा है और इस बीच एंट्री लेवल जो पोस्ट होती है इस सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन में वो लेक्चरर की होती है। ज़राए के मुताबिक लेक्चरर जो है उसको एक वैलिड फैकल्टी पोस्ट के तहत मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं नेशनल मेडिकल काउंसिल का, इससे पहले भी नोटिस मामला इस मामले का नोटिस लिया जा चुका है, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन मामला इंतजामिया के नोटिस में आने के बावजूद भी कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई है। और आज के वक्त में भी बताया ये जाता है कि कई ऐसे जो लेक्चरर्स हैं या पीजी टीचर्स हैं उनको अलॉटमेंट का जब कोई मसला होता है या जम्मू कश्मीर के बाहर से आकर अगर वो अस्पतालों में कहीं पर खिदमात अंजाम दें तो वो एक बड़ी परेशानी उनके लिए रहती है। कई मरतबा नोटिस में इंतजामिया के सरकार के मामला लाया गया, सरकारी अस्पतालों में एक तरह का काम होना चाहिए लेकिन मुल्क के या देश के बाकी हिस्सों में जहाँ पर फोर टीयर सिस्टम है भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए, जम्मू कश्मीर के अंदर पाँच से आठ या सात जितने मेडिकल कॉलेज इस वक्त हैं वहाँ पर अलग अलग हैं, इसलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात है ये है कि 370 की तनसीख के बाद यूनियन टेरिटरी के अंदर भी फोर टीयर टीचिंग काडर सिस्टम जो है वो जम्मू और श्रीनगर के अंदर फॉलो किया जा रहा है, लेकिन नए कॉलेजेस के अंदर थ्री टीयर सिस्टम चल रहा है और जो हर पूरे मुल्क के अंदर इसी प्रैक्टिस के साथ काम आज के वक्त में हो रहा है, लेकिन एक कौम एक असूल के एजेंडे का फिलहाल इस वक्त मजाक बन रहा है इन बड़े अस्पतालों में। उस वज़ीरे आज़म के नारे पर, प्राइम मिनिस्टर के नारे पर आज तक इंतजामिया उतरने में खरा कामयाब नहीं हो पाई है, जिसके तहत वज़ीरे आज़म ने कहा था कि सारे थ्री टीयर सिस्टम के तहत हर हॉस्पिटल के अंदर या हर मेडिकल कॉलेज के अंदर काम चलना चाहिए। बात